देख रहे हैं वो फॉर मीडिया डॉट कॉम। कांग्रेस के सिपाही श्रृंखला के तहत कांग्रेस के प्रदेश सचिव राव रिचारिया के नेतृत्व में झांसी के आसपास क्षेत्रों में लगभग 7,000 से भी अधिक लोगों तक खाने के पैकेट व राहत सामग्री पहुंचाई गई। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की महामारी तथा लॉकडाउन के मद्देनजर गरीबों तथा जरूरतमंद लोगों तक भोजन तथा राशन सामग्री पहुंचाए जाने का कांग्रेस का ये अभियान लगातार जारी है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी तथा उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह द्वारा लॉकडाउन के दौरान शुरू की गई कांग्रेस के सिपाही श्रृंखला के तहत कांग्रेस के प्रदेश सचिव राव रिचारिया के नेतृत्व में झांसी के कई क्षेत्रों में लगभग 7,000 से भी अधिक लोगों तक खाने के पैकेट पहुंचाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि देश पर आई इस विपदा की घड़ी में कांग्रेस सरकार प्रशासन तथा आम जनता के साथ खड़ी हुई है। राहुल रिचारिया ने बताया कि इस विपदा से निपटने के लिए सरकार के हर प्रयासों में कांग्रेस साथ है। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वे लॉकडाउन का पालन करें और अनावश्यक रूप से घरों से ना निकलें। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। मेरा नाम राहुल रिचारिया है, मैं स्टेट सेक्रेटरी हूँ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। देखिए, इस महामारी में सिर्फ मैं नहीं, पूरा देश का एक एक व्यक्ति लगा हुआ है और इस देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं वो सब इस समय वर्तमान भारत की जो सरकार है और प्रशासन और शासन है उनके साथ खड़े हुए हैं। उसका कारण से भी यह है कि वर्तमान स्थिति में जो विपत्ति और आपदा जो आई है पूरे हिंदुस्तान पर और पूरे संसार में, ये बहुत ही दुखनीय है और बहुत ही, मतलब कोई शब्द नहीं है इसको, हम व्याख्यान नहीं कर सकते हैं शब्दों में, आप खुद देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे। तो ये बहुत ही विपत्ति की घड़ी है। हम सब वर्तमान गवर्नमेंट के साथ हैं, शासन के साथ हैं, प्रशासन के साथ हैं और जनता के साथ हैं। इसलिए पिछले कई दिनों से हम सब मिलकर एक कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो शीर्ष नेता है, हमारी जो नेता है श्रीमती प्रियंका गांधी जी, उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में सिपाही कांग्रेस एक करके एक हम लोगों की एक शाखा बनाई है, जिनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस ये दिए गए हैं कि जिले के अंदर जितने भी लोग हैं जिनको मदद की जरूरत है उनकी मदद करो, लोकल प्रशासन के साथ खड़े होकर उनकी मदद करो, क्लियर इंस्ट्रक्शंस है। तो हम लोग जितना भी संभव है वो मदद कर रहे हैं। पूरे डाटा रखे हुए हैं क्योंकि हमें ऊपर भी भेजना पड़ता है, लगभग 7,000 लोगों की अभी तक हम मदद कर चुके हैं 23 तारीख से, 23 अप्रैल से लेके आज तक। अच्छा, इस महामारी से आप बचने के लिए क्या क्या उपाय आप लोगों के लिए सोच रहे हैं? देखिए, आज वर्तमान स्थिति में हिंदुस्तान की जनता जो कर रही है कि आप अपने घर पर क्वारंटाइन होकर रहिए, अपने घर पर रहिए, इसके अलावा कोई उपाय नहीं।